brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न होने के बाद बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के मुरादाबाद से उम्मीदवार कुंवर सर्वेश सिंह का आज निधन हो गया। दिल्ली के एम्स में आज शाम 6:30 बजे सर्वेश सिंह ने अपनी अंतिम सांस ली। 71 साल की उम्र में सर्वेश सिंह का निधन हो गया। बीते दिन जहां इस सीट पर भी मतदान हुआ था, तो वहीं आज ये खबर सामने आई कि कुंवर सर्वेश सिंह का निधन हो गया है। यहां समाजवादी पार्टी ने जहां रुचिवीरा को टिकट दिया है, तो वहीं इनके खिलाफ बीजेपी ने कुंवर सर्वेश सिंह को मैदान में उतारा था। दोनों के बीच कड़ी टक्कर की बात कही जा रही थी, लेकिन वहीं आज उनके निधन के बाद अब आगे क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। पेशे से बिजनेसमैन कुंवर सर्वेश सिंह को उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेताओं में से एक माना जाता था। सर्वेश ठाकुर जाति से आते हैं। सांसद बनने के बाद पहले वो ठाकुर द्वारा विधानसभा सीट से 5 बार विधायक चुने गए। सर्वेश कुमार सिंह के बेटे कुंवर सुशांत सिंह मुरादाबाद लोकसभा सीट में ही आने वाली बढ़ापुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। 2014 में कांठ विधानसभा क्षेत्र में हुए लाउडस्पीकर विवाद के दौरान भी सर्वेश काफी चर्चा में रहे थे। सर्वेश सिंह के निधन के बाद पार्टी में शोक की लहर है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी ने उनकी मौत की खबर की पुष्टि की है। सर्वेश सिंह के लंबे समय से बीमार चलने की भी खबर थी। उनका इलाज भी अस्पताल में चल रहा था। उनकी पिछली कुछ तस्वीरों में उनके हाथ पर पट्टी बंधी भी नजर आ रही थी। इसके बाद बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। हालांकि अब इस सीट पर दोबारा चुनाव होगा या नहीं, ये तब तय किया जाएगा जब इस सीट पर नतीजे सामने आ जाएंगे। 4 जून को अगर इस सीट पर सर्वेश सिंह जीतते हैं, तो इसके बाद इस सीट पर दोबारा चुनाव करवाया जाएगा। हालांकि अगर वो इस सीट पर नहीं जीतते हैं और कोई दूसरा प्रत्याशी इस सीट पर जीत जाता है, तो ऐसी स्थिति में चुनाव नहीं करवाया जाएगा। मुरादाबाद से जगत गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।